सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारी बहन जो उत्तर मुंबई की तालिका कक्षा है, वैसे ही हमारे इकबाल भाई काफी हमारे साथ में फेसबुक पे जुड़े हुए थे। हम आपको सलाम करते हैं और इस बात की हमें बहुत खुशी हुई कि आज हमारे बीच में आप बैठे हैं मनीष दुबे जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिंदी भाषी के मुंबई के अध्यक्ष, जिनके साथ में यहां की बहुत सी आवाम इनके साथ में भी है और है। तो मनीष दुबे जी का यहां पर हम स्वागत करते हैं। उसी तरह से आवास के हमारे बादशाह चार कोप के किंग केदार देशमुख जी, जो आने वाले वक्त के अंदर अभी ये कहां से कहां निकल जाएंगे ये सारी दुनिया देखेगी। वैसे हमारे एक भाई और हमारे उत्तर मुंबई के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष, जिनको हम हीरो कहते हैं, नेता कम लगते हैं हीरो ज्यादा लगते हैं, तालुका अध्यक्ष तनवीर मिर्जा, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और आपके बीच में हमारे माइनॉरिटी के मुंबई अध्यक्ष सोहेल सुबेदार जी के भाई इकबाल सुबेदार जी आज हम लोगों का मार्गदर्शन करने यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे मुंबई के कोऑर्डिनेटर इकबाल शेख जी आए हुए हैं साथ में। हमारे जिले की धराड़ी की महिला कार्य अध्यक्ष बहन तहमीदा हसन खान, वो हमारे बीच में हम लोगों को मार्गदर्शन करने आई हुई है। हमारे मुंबई के और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई विभाग के हमारे मुंबई अध्यक्ष मनीष दुबे जी, जिनको पूरा दहिसर गोरेवली और खास करके ये गणपत पाटिल नगर के हर गली मोहल्ले के बच्चे बच्चे लोग इनसे चेहरे अचीर परिचित है। इन्होंने हमेशा इस गणपत पाटिल नगर को बचाने के लिए यहाँ के वाटर मीटर गटर झोपड़पट्टी की समस्या लाइट की समस्या सबके लिए इन्होंने अपने तन मन धन से आंदोलन किया है और करते रहे हैं। हम लोग हमेशा उनको सराहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस गणपत पाटिल नगर की जनता को बचाने के लिए, उनको उनके हक का घर दिलाने के लिए। तो ऐसे हमारे मनीष दुबे जी इस बीच में है। हमारे चार कोप कांदौली चार कोप के अध्यक्ष मेरे मार्गदर्शक धराड़ी के तालुका अध्यक्ष कैलाश राव देशमुख जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं इस मंच से स्वागत करता हूं और इजाज भाई और जितने भी हमारे राष्ट्रवादी परिवार के पदाधिकारी है, हिंदी भाषी सेल के पदाधिकारी है, मानोटी के पदाधिकारी है, युवक के पदाधिकारी है और हमारे झोपड़पट्टी सेल के जितने भी स्लम सेल के पदाधिकारी है, सब लोगों को घर पानी रोड सुविधा जो ऐसे तहे दिल से चाहते कि यह मौका हमारे मनीष भैया को मिले ताकि वो यहाँ की जो भी मूलभूत सुविधा है जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं उनसे अच्छा कोई कैंडिडेट और कोई अच्छा कारपोरेटर यहाँ पे आप लोगों को इंसाफ नहीं देने वाला है। तो ये आह्वान है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप अपने हक के लिए मनीष भैया को चुन के लाइए। देखो लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, आज पूरा देश झूठे वादों के चक्कर में और अच्छे दिन के चक्कर में सफर करने का कार्यक्रम रखा है। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं देशमुख साहब को बोलूंगा। माइनॉरिटी के जमाल शेख जो सुबह से हर तालुके में मोर्चा और मीटिंग जहां जहां है समाज के हित में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संगठन बांधने में लगे हुए हैं। हाथ उठा के बोलो कि हम आपकी बात मनीष दुबे पक्का याद। ये भाई हाथ उठाना कि हाँ ये कुछ लग रहा है। कुछ ही दिनों में विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन इसी तरह से पूरे मुंबई शहर में हमारे समाज के लोगों का जो हाल बेहाल है, आज एक नया कानून निकला है कि स्टेशन से 100 मीटर जो फेरी वाले धंधा लगा रहे हैं उनको डिस्टर्ब करने का काम हो रहा है।
जो ऑटो ड्राइवर है जो कहीं सिग्नल में बाय मिस्टेक खड़े हो गए, किसी पैसेंजर को छोड़ रहे, कोई आके फोटो खींच ले रहा है, दो दो हजार पांच पांच हजार लोगों को फाइन मारने का काम हो रहा है, कामगारों लोगों को उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, कामगार को उनका हक नहीं मिल रहा है, असंगठित कामगार को गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो इन कामगारों को, रिक्शा वाले और फेरी वाले टैक्सी वाले भाइयों को सम्मान दिलाने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आने वाले 3 तारीख को दहीसरिष्ठ में राष्ट्रीय हॉल में, क्योंकि यहाँ पे हम और स्टैक बाइक ढूंढे, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा हॉल नहीं है जिसमें 1500 से 2000 लोग आ जाए, बारिश का समय रहेगा 3 जून, लेकिन ये बात समझ लीजिए वहां पे जो मंत्री महोदय आ रहे हैं उनका सबसे पहला काम है गणपत पाटिल नगर के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए बात करना, उसके लिए चर्चा करना और उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पे आने की बात की कि आज खासदार बीजेपी का, आमदार बीजेपी के, 4 नगर सेवक बीजेपी के, उसके बाद भी एक टेम्पो लेके खड़े हो जाते, पोल खोल, किसकी पोल खोल रहे हैं आप ही है ना, दिल्ली में भी आप है, इधर भी आप है, जो वो नगर सेवक है वो इन्हीं का है ना, फिर किसकी पोल खोल कर रहे हैं, पोल खोल को लेके भी अब हमें जनता को अब समझना चाहिए कि किसकी पोल खोल हमें करनी है, और आपके पास में वापस से एक टाइम आएगा कि आपका एक वोट जो रहता है वो वोट का अधिकार से आप आपके जो काम करते हैं वाटर कटर मीटर के, जो हमारी मूलभूत सुविधा के लिए हमारे पास जो काम करता है उसको चुनने की जिम्मेदारी आपका एक वोट महत्व का होता है उससे आपके पास होती है। आज पहले जब भी हमारे विश्वनाथ शेख थे, जब भी हमने रिलायंस के पास जाके, फडणवीस जी की सरकार थी, आपके सारे यहाँ से लाइट के जो मीटर के जो पेपर्स थे वो लेके जाके भी दिए थे कि जब यहाँ पे इलेक्शन कार्ड है, पैन कार्ड इश्यू है, फिर लाइट वाटर कटर मीटर क्यों नहीं है यहाँ। उसके बाद में हमारे मनीष भैया ने वापस से मुद्दा उठाया, मैंने सारा बंच उठा के मनीष भैया को दिया, मनीष भैया ने इतनी मेहनत की कि आपके लिए उन्होंने लाइट लाई, पानी की कोशिश कर रहे हैं, और अभी आपके लिए वो जो समस्याएं जितनी भी है गणपति, और उन्होंने परसों टाई से भी बोला कि मुझे वार्ड नंबर 1 की टिकट दीजिए, मैं जो भी कैंडिडेट खड़े करता हूँ उसे चुन के लाना मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि इनका काम बोलता है, ये हवा में बात नहीं करते। मैं सिर्फ इतना ही दुआ करूंगा कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला भारत को सलामत रखना, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, जय हिंद जय राष्ट्र।